ओम शांति मेरा नाम आशा रानी है मैं इससे पहले ज्ञान में आने से पहले भक्ति मार्ग में थी तो मैं टीवी टीचर थी स्कूल जाते हुए मैं सुबह टीवी लगा लेना तो पीस ऑफ माइंड चैनल पर जो नीचे हिंट्स आते हैं वो मैं चलते फिरते तैयार होते पड़ती रहती थी मुझे बड़ा अच्छा लगा मैं कहा ये जो बातें हैं ये तो मैं मैंने पहले सुनी नहीं बड़ा इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया तो फिर सिस्टर शिवानी जी उनका जो मैं सीरियल आता था अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी तो मैंने वो देखना शुरू किया उसके एपिसोड में जितने भी मैंने देखे सुने मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे तो ऐसे करते करते मैं जब एक दिन सिस्टर शिवानी जी उन्होंने कहा कि भगवान आ चुके हैं इस दुनिया में आ चुके हैं ये बात सुनते ही मुझे इतनी खुशी हुई मेरा दिल करे मैं मतलब उड़कर कर पहुँच जाऊँ मतलब सेंटर पर क्योंकि उन्होंने कहा था भी इसके लिए सेवन डेज़ कोर्स करना ज़रूरी है तो फिर मैं आ, सेंटर पहुंची वहाँ से, से पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ पर सेंटर दूर था पठानकोट में तो मैंने वहाँ पर जाकर पूछा तो वो कहते आ, आ, भी आपको ये इस टाइम आना पड़ेगा मैं कहा मेरे को टाइम नहीं सूट करता फिर यहाँ पर जलंधर में आई तो मैं सेंटर पर सबसे पहले सेंटर पर पहुँची दीदी से बात की तो उनसे टाइम लिया तो आ, बाबा जी और मतलब तो ये पता था ये बाबा आए हुए हैं बाकी और कुछ नहीं पता था भाई क्या लक्ष्य है क्या बाबा क्या करवाना चाहते हैं ये कुछ नहीं पता था तो फिर सेंटर आना शुरू हुआ तो फिर मेरे मन में ये भी था मैं क्या सभी कहती है माउंट आबू जाना चाहिए तो देखो ए, उसके बाद महीने के बाद ही दीदी ने मेरे से पूछा आप जाना चाहते हैं माउंट आबू मैं कहती तो मेरे मन की बात वहाँ पर फिर पहुँचे वहाँ पर जा कर तो इतनी खुशी हुई मतलब यकीन नहीं आ रहा था ये बाबा ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली तो फिर रेगुलर मोड़ली सुननी शुरू की पढ़नी शुरू शुरू की समझनी शुरू की फिर पता लग गया बाबा क्या करवा रहे करवाना चाहते हैं हमारे में तो ऐसे सुनते सुनते फिर अपने में वो बाबा कहते धारणा करो फिर पहले तो पता ही नहीं था ये क्या करना है फिर धारणा करनी है तो उस पर अमल करना शुरू किया फिर अपने में परिवर्तन देखा तो घर में भी मैं मतलब परिवार के मेम्बरों को उनको भी सुनाया वो कहते बहुत अच्छा ज्ञान है बहुत सुनने में बहुत लेकिन वो जैसे आ, कुछ इसकी है जैसे परहेज वगैरह ये नहीं खाना वो लहसुन प्याज वगैरह ना तो मैंने एकदम फिर धारणा में चलना शुरू कर दिया था तो उनको सभी को कहते बाहर नहीं खा सकते ये थोड़ा मुश्किल है वैसे ज्ञान सुनते हैं बहुत अच्छा और मुझे सेंटर पर मतलब छोड़ने भी आते हैं ब्रदर मेरा उसको जब भी बोल तो वो कभी मना नहीं करता बहुत खुश होता है और बहुत उसके मन में श्रद्धा शर्द, है तो वो बाकी के परिवार के मेंबर भी बहुत ज़्यादा मतलब इसको सुनते हैं इंटरेस्ट से तो बाहर भी मैं रास्ते में जाते भी जब मोहल्ले में भी जब भी मुझे मतलब मिलता है समय तो मैं बाबा का परिचय जरूर देती हूँ आत्मा का ज्ञान जो बाबा कहते हैं विजय जरूर है मतलब बताना है तो जिसको भी कहती हूँ वो कहते बहुत अच्छा है फिर उसके बाद घर में झंडा सेरेमनी हुई तो उसको देखकर ही कई आत्मा घर में आई तो वो कहते हम तो इतना खुश हुए अभी आपके घर में ये मतलब ऊपर झंडा देखा है तो फिर दीदी कह रहे हैं अभी आप सेवा शुरू करो अभी वो करनी है घर में लेकिन मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिस दिन बाई चांस कोई मजबूरी में सेंटर ना आ सकूँ तो ऐसा लगता है भी बहुत कुछ मैंने खो दिया तो मतलब इतना मैं तो सभी को कहूँगी भी शुरू में जब आए था तो ये मन में रिग्रेट रहता था कि हम पहले क्यों नहीं आए तो इतना अच्छा ज्ञान बाबा का बाबा इतनी देर से आए हुए हैं लेकिन बाद में समझ आई भी ये तो ड्रामा में जो है उसके मुताबिक ही मतलब तभी हमारा रोल ड्रामा में है जब होगा तभी आना है तो वो मन में भी संशय भी निकल गया तो अब मैं मतलब यही कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से भी जहाँ भी सेवा मिले चाहे भोजन की या कुछ भी यहाँ पर तो और भी कोई सेवा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ करती हूँ और मैं सभी को ये कहती हूँ सभी ये सबसे पहले ये बाबा के मतलब यहाँ पर आए सेंटर पर